हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रदीप प्रजापत, वेलकम टू मल्टीपल आइडियाज चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देख लेते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है और IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है और आईपी एड्रेस का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें इंटरनेट से दो डिवाइस या उससे भी ज़्यादा डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ता है, तो उसमें हमको IPV एड्रेस लगता है। जैसे कि यहाँ पर हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल का शॉर्ट फॉर्म है और V का मतलब है वर्जन। IPv0 से IPv15 तक का हम यूज़ करते हैं, बट अभी हम ज़्यादातर यूज़ ओनली टू IP एड्रेस का ही करते हैं। एक है IPv4 एंड IPv6, इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो फ्रेंड्स, इसके बीच में हम डिफरेंस भी देख लेते हैं। साथ में हम IPv6 से रिलेटेड डिस्कस करने वाले थे आज फ्रेंड्स, लेकिन मैंने सोचा कि अगर आपको इसके दोनों के बीच में डिफरेंस पता होगा तो हम IPv6 को अच्छे समझ पाएंगे। IPv4 का मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, हम देख लेते हैं इसके लिए हमें डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। फ्रेंड, इसके लिए हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो टेबल बना लेते हैं। ये टेबल बन गई हमारी। अब टेबल में हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, IPv4 और IPv6। अब IPv4 में कितने बीट का एड्रेस होता है फ्रेंड्स? 32 बीट का एड्रेस होता है IPv4 में, और IPv6 में 128 बीट का एड्रेस होता है। जो IPv4 है इसमें जो हम नंबर लिखते हैं आईपी एड्रेस के, वो डेसिमल नंबर में ही रहेंगे, जबकि इसमें हम जो नंबर लिखते हैं वो हेक्साडेसिमल नंबर में रहेंगे। इसके बाद IPv4 में 4 ब्लॉक होते हैं फ्रेंड्स। हम एक एग्जांपल भी साथ में देख लेते हैं, ये देख सकते हो आप, 4 ब्लॉक है। 1, इसके बाद 2, 3 और 4, ये डॉट से सेपरेट कर रहे हैं फ्रेंड्स। हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसे, तो ये वेरिएबल रहते हैं लास्ट वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डॉट से हमने सेपरेट करे। अब 1 ब्लॉक में 192 सपोज फर्स्ट ब्लॉक में लिखा हुआ है, तो इसमें कितने बीट होंगे? तो इसमें फ्रेंड्स 8 बीट इन 1 ब्लॉक में होंगे। अब ऐसे ही IPv6 का भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। IPv6 में 8 ब्लॉक होंगे, और 8 ब्लॉक होंगे कुछ इस टाइप से, आप देख सकते हो। हेक्साडेसिमल का हम यूज़ करेंगे इसमें, तो मैंने कुछ भी नंबर ना लिखते हुए ऐसा लिख दिया है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता चलूँ, 4 ब्लॉक जो IPv4 है उसमें सबसे मिनिमम एड्रेस होता है 0.0.0.0, और मैक्सिमम होता है 255.255.255.255, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। सेम इसमें भी होता है फ्रेंड्स, वैसा ही 0.0. ऐसे सारे में हम करते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे सभी की जगह पे 0.0 सबकी जगह पे, और बाकी सब ऐसा ही ऐसे ही रहेंगे। ये मिनिमम हो जाएगा फ्रेंड्स, और मैक्सिमम में हो जाएगा FFF, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में रहेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद हम देख लेते हैं आगे, देख सकते हो फ्रेंड्स हमने जो बताया 8 बीट इन 1 ब्लॉक, इस जो ओके इसमें 8 बीट का एड्रेस रहेगा हमारा। इसी सेम इसमें एक जो 1 ब्लॉक है इसमें 16 बीट का एड्रेस होता है फ्रेंड्स। इसके बाद देख लेते हैं सेपरेट। अब सेपरेट हम इसको डॉट से कर रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, और इसको हम सेपरेट कॉलम से कर रहे हैं, आप यहाँ पर शो होगा, आप देख सकते हो आप। इसके बाद डिवाइड, इस फ्रेंड्स इसमें हमने क्लास में डिवाइड कर रखे हैं IPv4 को, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था। और ये जो आईपी एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। इसके बाद IPv6, इसमें हम कोई क्लास में डिवाइड नहीं करते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आईपी एड्रेस क्या रहेगा, जब हम कुछ डालेंगे ही नहीं आईपी एड्रेस, तो इसका रहेगा 0.0.0.0/0। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस हमेशा रहेगा अगर हम सेट नहीं करते हैं तो। सेम एज इट इज़ इसका भी ऐसे ही है फ्रेंड्स इसमें, लेकिन इस कुछ आईपी एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट इसमें थोड़ा सा अलग होता है, :\0, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस होता है IPv6 का। इसके बाद देख लेते हैं लूप बैक। अब फ्रेंड्स, लूप बैक एड्रेस क्या होता है IPv4 का? जब हम कुछ भी कमांड के थ्रू इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसमें लूप बैक कैसे हम एड्रेस डालते हैं, क्या होना चाहिए, तो इसका होगा जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका होता है लूप बैक एड्रेस 127.0.0.7, और ऐसा ही लूप बैक एड्रेस IPv6 का भी रहेगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हो यहाँ पर :\1, ये हो गया IPv6 का फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब हम अगले वीडियो में IPv6 से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मुझसे कमेंट में भी कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, और आपको लगता है कि दूसरों के लिए भी यूज़फुल है तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।